एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू गाइस आर डूइंग गुड। तो आज आपके लिए लेके आई हूँ और एक नई रेसिपी। आज मैं आपको बना के दिखाऊंगी बंगाली बासंती पुलाव की रेसिपी। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैंने आधे किलो गोविंदभोग राइस लिया है, इसको पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद इसमें घी डाल देंगे, हल्दी ऐड कर देंगे, गरम मसाला ऐड करके अच्छे से मिला लेंगे। अब एक कढ़ाई में घी ऐड कर लेंगे। उसके अंदर काजू को डाल देंगे। अब किशमिश को डाल के अच्छे से भूंज लेंगे। भूजने के बाद उसको उठा लेंगे। अब घी के अंदर कार्डेमम ऐड कर देंगे, तेज पत्ता ऐड कर देंगे, लौंग ऐड कर देंगे, इलायची ऐड कर देंगे, आप चावल को ऐड कर देंगे। काजू और किशमिश जो हमने भूंज के रखा था उसको ऐड कर देंगे। अब ढक्कन बंद करके 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसको हमको लो फ्लेम में पकाना है। देखिए चावल अच्छे से पक गया। इसमें नमक ऐड कर देंगे और चीनी ऐड कर देंगे। से मिला लेंगे। इसको धीरे धीरे मिलाना, नहीं तो चावल टूट सकते हैं। आप इसको पनीर, मछली, दम आलू किसी के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज 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 डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन टू गेट ऑल नोटिफिकेशन। थैंक यू, बाय बाय।